हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे हमने स्कोप पढ़ा, इम्पोर्टेंस पढ़ा, तो सब चीज़ों की अच्छाई के साथ साथ उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो उनकी अच्छाई जानने के साथ साथ हमें उनकी कमियां भी पता होनी चाहिए, जिससे क्या आप अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो आप अगर इम्पोर्टेंस के साथ साथ लिमिटेशंस भी लिखते हो तो आपको, मतलब एग्ज़ामिनर को ये लगता है कि हाँ, बच्चे को पूरी नॉलेज है इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के बारे में, इसको पता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो पहला तो ये स्टैटिक होता है। ठीक है, स्टैटिक मतलब मैनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, दिस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इज देयर फोर अनरियलिस्टिक टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, मतलब इसके लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं कि आप अगर कोई एक अजम्पशंस कर रहे हो तो आपको वहाँ पे उस अजम्पशंस को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट रखनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप डिमांड देख रहे हो, सप्लाई देख रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है आपको प्राइस कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, इनकम कॉन्स्टेंट रखने पड़ते हैं, खर्च कॉन्स्टेंट रखने पड़ते हैं, देन आप किसी चीज का क्या कर सकते हो, अजम्पशन करते हो। तो फर्स्ट इसका डीमेरिट और लिमिटेशन क्या होता है कि ये स्टैटिक पोर्शन होता है कि अगर आपको कोई एक चीज अज्यूम करनी है तो उसके लिए आपको बहुत सारे पार्ट्स क्या करने पड़ते हैं, स्टैटिक या कॉन्स्टेंट रखने पड़ते हैं। ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। दिस इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन मेनी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लाइक प्रिवेलेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी। इन रियल लाइफ दीज अजम्पशंस आर नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके के अजम्पशंस को हम लोग बहुत अनरियलिस्टिक भी बोलते हैं, मतलब ये एक्चुअली हैपन नहीं होता। मतलब अगर आप रियल लाइफ में देखो तो पूरे लोग एम्प्लॉयड हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, या परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक मार्केट में आ गया है, ऐसा कभी भी नहीं होता अगर आप रियल लाइफ में देखो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, इकोनॉमी में इस चीज़ को अज्यूम किया जाता है, इसलिए इसको अनरियलिस्टिक अजम्पशन भी माना जाता है। ठीक है, बहुत बार माना जाता है ना कि लोग फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, पूरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, या मार्केट कैसा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जैसा है। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत अनरियलिस्टिक बातें हैं, आपको नेचुरली और रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती हैं कभी भी। फिर नेक्स्ट है इसका लिमिटेड स्कोप। ठीक है, लिमिटेड स्कोप में क्या है, इट हैज़ लिमिटेड स्कोप। स्टडी ऑफ मैनी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एसेट्रा इज आउटसाइड इट्स स्कोप। जैसे कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें, इन सब की प्रॉब्लम हम कभी भी क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, इस चीज़ों को हम इससे बाहर रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, मतलब बहुत कम जगह ही हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर पाते हैं। फिर इसका रॉन्ग कंक्लूजन। द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इन मैनी केसेस नॉट वैलिड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत बार ऐसा कंक्लूजन निकाला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के बाद, बहुत बार ऐसा कंक्लूजन निकाला जाता है जो कि वैलिड नहीं होता। किसके नज़र से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नज़र से ये वैलिड नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी से दैट सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट सो फार एज एन इंडिविजुअल इज़ कंसर्नड, बट इफ इट व्यूज फ्रॉम मैक्रो एंगल, दैट इज़ इफ द एंटायर पॉपुलेशन बिगिन टू सेव मोर देन बिफोर, देन देयर विल बी फॉल इन एग्रीगेट डिमांड फॉर कंजप्शन गुड लीडिंग टू फॉल इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आप देखो तो सेविंग एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और एक बंदे को क्या करना चाहिए, एक लोगों को, एक इंसान को अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी चाहिए। लेकिन वहीं आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर सारे लोग
पहले से ज़्यादा सेविंग्स करने लगेंगे तो क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में से, और अगर डिमांड कम हुई तो उस चीज़ की कंजप्शन कम हो जाएगी, ठीक है, और कंजप्शन कम होगा तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये वाला जो हमारा थ्योरी होता है वो कभी भी मैच नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा लिमिटेशन इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।